नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन और कुछ मद्रासी पिजन से जो भी सेल के लिए अवेलेबल है उसकी वीडियो आज के आपके आज समक्ष एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। और बहुत ही अच्छे कबूतर है, वो अच्छे या बुरे वो आप डिसाइड कीजिएगा। ये बाकी कबूतर दिखने में सारे एक नंबर कबूतर है और उड़ने में भी बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने उड़ाए हैं उनके पास, उन्होंने 4 से 5 घंटे उड़ा के इन कबूतरों को वापस से बंद कर दिया था क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, उनका अपना खुद बिजनेस था कुछ बैटरी का। इसके लिए उन्होंने इन कबूतरों को मुझे सौंप दिया है कि भाई इनको सेल करना है, देख लीजिए अगर आपको कोई मिलता है तो। कबूतरों की प्राइसिंग की हम बात कर लेते हैं कि पेयर स्टार्टिंग है 2500 रुपीज से लेके, जो कि निगोशियेबल है, जो कि अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं तो कम भी हो सकता है। और कुछ जो पेयर्स हैं वो 3000 से 3000 बिलो है, उसके ऊपर भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को और दिखा देते हैं आपको जो इनको बोलते हैं पिलखे कबूतर, जो दिल्ली में बोलते हैं इनको, हम लोग इनको यहाँ के लोकल लैंग्वेज में दुबास भी बोल सकते हैं और कुछ इनको चप भी बोलते हैं, छप छपे हुए होते हैं थोड़े से पीठ के ऊपर से। और इनकी आंखें बेसिकली काली होनी चाहिए और इनकी सारे की आंखें काली है। तो स्पेशली ये वीडियो बना रहे हैं हम मखोए कबूतरों के लिए जो कि ब्लैक आइज के मद्रासी कबूतर हैं। तो कहीं मत जाइएगा और वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। और एक और दरख्वास्त है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैंने आज देखा मेरे चैनल के व्यूइंग में कि 72% पीपल्स मेरे चैनल को सिर्फ देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भाई रीजन क्या है उसका कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को? आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम 1 लाख का वो जादुई आंकड़ा आप तक पहुंचा सके और चैनल को और ज्यादा ग्रोइंग मिले। तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा, दिखा दें आपको पिलखे मखोए कबूतर। तो ये देख लीजिए सबसे पहली जोड़ आपको दिखा रहे हैं पिलखों की, थोड़ा जूम कर लीजिए इनके चेहरों को, बहुत ही शानदार कबूतर है। साइज में की अगर साइज की अगर बात करेंगे तो साइज में भी बहुत अच्छे कबूतर है, उड़ने में भी बहुत अच्छे हैं। लाल गंडों में है ये कबूतर, बेसिकली कलर बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के पास मिलता है ये कलर। और ये पूरा पेयर है तो इसमें नर की आंख का पहले आपको शोक कराते हैं हम लोग। ये देख लीजिए भाई नर की आंख थोड़ा मचल रहे हैं ये कबूतर मेरे हाथ में। और ये वाइट पलकों वाला कबूतर है, इसकी पलकें पूरी वाइट है ये देखिए। और आंखों का बिंदी अंदर की चमक रही है। मखोए कबूतरों में स्पेशलिटी यही होनी चाहिए कि उनकी आंखों की जो बिंदी है धूप में अगर आप देखें तो दूर से तो उनकी आंख ब्लैक दिखनी चाहिए लेकिन उनकी जो बिंदी है धूप में आने के बाद वो छोटी बड़ी जो जूमिंग होती है कबूतर की आंख की, जैसे कि पैरट की आंख होती है उस तरह से अगर कबूतर आप ले रहे कोई हाथ में और उसकी आंखों की जूमिंग अगर उस तरह की हो तो आप समझ जाइए कबूतर में उड़ान बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये नर की आंखों का हमने आपको शोक करा लिया, एक बार फिर से आप इसके आंख का शोक कर लीजिए ये देख लीजिए। और बात करते हैं इसके पंखों की, ये बहुत ही तेज कबूतर है, बिल्कुल हाथ में नहीं रुकते, बिल्कुल मुलायम पंख है ये देख लीजिए, कितनी आसानी से मुड़ रहे हैं, पूंछ बिल्कुल बंद है ये देख लीजिए, शॉर्ट टेल के पिजन है। और आप बात करते हैं इनके नाखून और पंजों की तो देख लीजिए आप, नाखून बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं है, बिल्कुल प्योरिटी में है कबूतर। ये चेन्नई की ब्रीड है, फीमेल की आपको आंखों से आप रूबरू कराते हैं, आप मेल के मुकाबले फीमेल थोड़ी छोटे वजूद की है जो कि होना ही चाहिए बिल्कुल। ये देख लीजिए इसकी आंखें बिल्कुल वाइट पलक है दोनों की, इसकी भी आंख में अगर आप बिंदी देखेंगे अंदर तो काली कलर की आपको दिख रही होगी, ये देख लीजिए बिल्कुल मुलायम पंख है वो, पूंछ भी बिल्कुल बंद। और ये नाखून और जोड़ा आपको दिखा देंगे, थोड़ा पास कर लिया कैमरे, ये देखिए ये है जोड़ा पूरा, ये देख लीजिए बहुत शानदार पूरा पैर ही है। अब इसको ऊपर भी छोड़ के दिखाते हैं, इनको छोड़ देते हैं अभी यहाँ पे, ये देख लीजिए पैर को, तो बहुत ही चंचल पैर है ये, बिल्कुल हाथ में आने वालों में से नहीं है, बहुत शानदार। तो ये देख लीजिए ये है सेकंड पेयर, इसमें थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ पेयर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें बड़े साइज में मादी है और नर है जो बहुत छोटे साइज में, और ये बहुत ही मतलब कम देखने को मिलता है कि नर छोटी साइज में मादी बड़ी साइज में। तो ये जो एक पेयर है इसमें ये नर है और ये मादी है, तो मैं नर की आँख दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, फिर मादी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये देखिए नर बिल्कुल छोटी साइज का कबूतर है और बच्चे बड़े शानदार आते हैं इनके, ये देखिए जोड़ी तो
क्या बात है। और ये इनके पंख हैं बिल्कुल पतले मुलायम, और ये बिल्कुल हाथ में नहीं आते भाई। हाथ में आने के चक्कर में इनकी पूंछ भी खराब हो गई अभी फिलहाल महाशय जी की। बाकी कबूतरों में प्योरिटी है पूरी पूरी, नाखून और पंजों से पता चलती है कबूतरों की नस्ल। नाखून, पंजे, चोंच, ये तीन चीज़ से आप कबूतर में मिलावट है या नहीं है ये इस बात का पता कर सकते हैं। बिल्कुल इसकी फीमेल दिखाते हैं आपको, ये इसकी फीमेल है जो कि बड़ी साइज में, नर कोई भी बोलेगा नर ये है पर ये एक्चुअल में फीमेल है। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त गर्मी का मजे लेते हुए अभी हम लोग। और ये जो दो बेर है अगर कोई लेता है तो इनको ब्रीडिंग में डालिएगा आप, इनको उड़ाइएगा मत। ये मेन पेयर है दो बड़े, ठीक है। तो ये पेयर आपको इस तरह से दिखा देते हैं, वापस ले लीजिए। ये पेयर है, पिलखों के पेयर आपको दिखा रहे हैं हम लोग। अब ऊपर छोड़ के भी दिखा देते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन देखिए नर का इसमें, ये देखिए दोनों की दोनों बिल्कुल सीना ताने खड़े हुए हैं। अभी तक के जो पैर दिखाए आपको चारों की चारों ऊपर रखे हुए, ऊपर बैठे हुए हैं, बस एक वो व्हाइट फीमेल उसमें एक्स्ट्रा आ गई है। बाकी ये जो चार है ये तो अभी आपको पेरेंट्स के हिसाब से दिखाए। और ये देख लीजिए, ये आपको डार्क पिलखे जो कबूतर होते हैं, डार्क दुबाज बोलते हैं इनको या चब भी बोलेंगे, दिलबाज बोलते थे इनको हम गिरेबाज जब कबूतर पालते थे। तो इस तरह के जो कबूतर थे, जैसे कि आप देखेंगे अभी अगर इस कबूतर को थोड़ा पास में ले आइए कैमरे को, इसकी पीठ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये दिल बना हुआ है, ये देखिए। तो हम इसको दिलबाज कबूतर कहते थे बचपन में, इसके भी देखिए पीठ पे दिल बना हुआ है, तो इसको हम लोग दिलबाज बोलते थे पहले। गिरेबाज में बड़े आते थे ये कबूतर, उस टाइम के दुबाज बड़े फेमस हुआ करते थे। आज से 10-15 साल पहले की अगर बात करें, आज 18 साल से मैं शौक कर रहा हूँ उनका। ये भी एक बहुत शानदार पेयर है, ये देखिए इसकी ये मेल है और ये फीमेल है, तो आपको भी शो कराते हैं हम लोग। फीमेल की आंखों से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बड़ी पतले वजूद के छोटे सिर के कबूतर हैं, और सारे कबूतरों की आंखों में अगर आप देखेंगे तो बिंदी आपको नजर आएगी। ये देखिए ये भी बहुत शानदार पेयर है, पंख बहुत ही जबरदस्त है, मुलायम बिल्कुल पंख है। देखिए पूंछ बिल्कुल बंद है, इसके नाखून देखिए। ये इन्हीं पिलखों में से जो आपको इससे पहले वाले जो जोड़ दिखाए थे उसमें से मिला के इनको बनाया हुआ है। इसके लिए नाखून में ब्लैक और व्हाइट होना आ गया है, लेकिन ये मद्रासी से ही क्रॉस हुए हैं आपस में, उसके बाद इनको बनाया हुआ है। तो इसमें आपको नाखून अलग आ जाएंगे। पर जो फीमेल है उसमें नाखून जो है पूरे व्हाइट ही है इसके। ये देखिए फीमेल बड़ी छोटे वजूद की मादिन है, बहुत शानदार है। इसके भी बहुत जबरदस्त है पंख, बिल्कुल मुलायम पूंछ देखिए, बिल्कुल फेविकोल का जोड़। ये देखिए ये इसके नाखून देखिए, पतले और शानदार। आपको जोड़ा छोड़ के दिखा देते हैं, चाल बहुत ही जबरदस्त है। आराम से भाई, कोई नहीं परेशान कर रहा है। पहले उन्हें जो अंदाज होता है कबूतर का वही सबसे निराला होना चाहिए, कबूतरों में वही बात है। ये देख लीजिए भाई, ये एक और पेयर दिखा रहे हैं, इसमें तिलकटों में है नर, एक आपसे एक तरफ से मादी है, कोई अबलक अपनी बोलते हैं अबलक। ये देखिए नर के आंख बड़ी शानदार है, देखने लायक आंख आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसकी आंख तिलकटों में है, ये दूसरी तरफ की आंख दिखाते हैं इसकी आपको। ये देखिए बहुत शानदार आंखों वाला कबूतर है, पंख बिल्कुल मुलायम,
ये उड़े हुए कबूतर है, कलर लगा हुआ है इनको, इसका मतलब ये उड़े हुए हैं। ये इसके नाखून और पंजे इन्हीं में से बना हुआ है, एक नाखून आपका काला, इसका सफ़ेद है। तो मद्रासी कबूतर की अगर हम बात करें तो सभी ये जो कबूतर हैं क्रॉस करके ही बनाए हुए हैं, तो इनमें प्योरिटी होना थोड़ी मुश्किल की बात है। मद्रासी कबूतर जो ऑलरेडी क्रॉस है उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि वो प्योर है? तो ये आपको मेल दिखा दिया, मेल दिखाते हैं, ये है पिंकी मादिन, ये इसके पंख, ये भी उड़ी हुई है, ये इसकी पूंछ बिल्कुल हाथ में नहीं टिकना चाहते हैं, ये नाखून और पंजे देख लीजिए इसके भी बहुत शानदार है। तो भाई ये अब आ गई है बारी बिल्कुल व्हाइट अप व्हाइट सफ़ेद पलकों के मद्रासी पिजन्स की। थोड़े कॉस्टली है ये कबूतर क्योंकि पूरे प्योर व्हाइट फॉर्म में है, एक तो कलर इनका पूरा व्हाइट है और अच्छे उड़े हुए हैं, ये भी उड़े हुए हैं, वो भी उड़े हुए हैं इससे पहले, लेकिन ये पूरा व्हाइट में है पैर, तो थोड़ा ये आगे पीछे हो सकता है इसके प्राइस में 3000 के आसपास या 3000 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये पैर बिल्कुल व्हाइट है, नाखून पंजे चोंच सारी देखने लायक है इन कबूतरों का। तो मैं आपको पहले नर की आँख दिखा देता हूँ। हाँ तो ये देख लीजिए, रुक जा भाई रुक जा, ये इसके पंख है बड़े शानदार, ये इसकी पूंछ है, हाथ में बिल्कुल नहीं रुके हुए हैं कबूतर, कभी किसी के हाथ में नहीं रुके हुए हैं, बड़े ही शानदार तरीके से रहते थे अपने मालिक के पास में। तो अभी ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं जब इनको हाथ में पकड़ रहे हैं, फीमेल भी बड़ी ज़बरदस्त चेहरे की है, लंबे चेहरे की कबूतरी है। बड़े शानदार है, पूंछ बिल्कुल बंद, ये नाखून ये देखिए, और ये दूसरा पैर है भाई, ऐसा मत समझिएगा कि वही पैर है, इनकी पलकें बड़ी शानदार है दोनों की, सभी कबूतर एक ही मेल में से हैं, ये सारे तीन पैर से ये सारे पेयर बने हुए हैं, जो स्टार्टिंग में दो पैर बना बताए थे मैंने और एक ये वाइट मकोए का पैर, इनसे सारे कबूतर बने हुए हैं आपस में क्रॉस करके इनके रिजल्ट बढ़ाने के लिए। ये कोयम्बतूर वाले जो कबूतर बोलते हैं ये वो कबूतर है, और इनकी आँख अगर आप साइड से, मैं यहाँ से जब अगर देख रहा हूँ इनकी आँख, तो बिल्कुल खरगोश की जैसी आँखें हैं इनकी, लाल लाल बड़ी शानदार। तो मैं आपके नर्व से आपको उल्लू करा रहा हूँ, आपको ये देखिए भाई नर्व की आँख बड़ी शानदार। भाई हमारा कैमरा मैन नया है लेकिन लग नहीं रहा है नया है, बहुत अच्छी वीडियो शूट कर रहे हैं भाई। पंख इनके खराब हो गए, ये ब्रीडिंग पेयर हैं, तो इनके पंख में इनके नाखून देख लीजिए आप, पंख तो खराब ही इनके। तो अगर आपको ठंडी के हिसाब से अगर आपको कबूतर उड़ाने हैं अभी, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे आपको उड़ाने हैं, तो आप इन पेयर्स को परचेस करके इनके बच्चे ठंडी में आप ले सकते हैं, जो कि ठंडी तक आपको अगर अभी आकर अगर आपने इनको पेयरिंग में किया, बहुत दिनों से पेयरिंग में नहीं है, तो 15 से 20 दिन में आपके पास अंडे हो जाएंगे,
और आगे आने वाले 45 डेज में आपके पास बच्चे निकल जाएंगे, और 40 और 20 60 मतलब ये 2 महीना पूरा है, अभी गर्मी का 1.5 महीना बाकी है और बारिश के 3 महीने, तो 3-4 साढ़े 4 महीने में आपके पास 3 से 4 गली के पट्टे हो जाएंगे वो। और अगर आपके पास कलाकारी है, आपने अंडे अगर दौड़ा दिए उनको, मतलब अंडे अगर आपने दूसरे जोड़ों के नीचे निकाल दिए, तो एक एक पेड़ से आप 4-4 बच्चे ले सकते हैं। तो ये सारे एक ही कॉम्बिनेशन के कबूतर हैं, तो इनमें अगर आप बच्चे लेते हैं तो सारे बच्चे एक ही चाल में चलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एक चेन्नई वाला उड़ा दिया, एक आंध्रा वाला उड़ा दिया, एक कोयम्बतूर वाला उड़ा दिया, तो आंध्रा वाले कबूतर ऊंचे उड़ते हैं, चेन्नई वाले नीचे उड़ते हैं। कोयम्बतूरी कबूतर का अप डाउन का थोड़ा स्ट्रक्चर का थोड़ा प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे होते हैं। तो एक ही नस्ल के अगर आप कबूतर उड़ाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जो एक ब्लड होता है वो हमेशा एक हिसाब से चलता है, तो आपको उड़ान में परवाज देखने में भी मजा आएगी और कबूतर में टाइमिंग का भी बड़ा ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हमको हमारे उस्ताद जी से सीखने को मिली हुई है, मेरे उस्ताद जी अजय चौधरी जी, उनको शत-शत नमन है मेरा, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो। बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज के धनी है हमारे उस्ताद जी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज़्यादा बात तो वैसे नहीं हो पाती है लेकिन बहुत शानदार है हमारे उस्ताद जी, बहुत ज़बरदस्त। दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल टिकने वालों में से नहीं है, ये मेल गया उधर तो फीमेल ने मार दी नीचे। कोई बात नहीं बेटा, अपनी फैमिली पूरी। बड़े शानदार दिख रहे हैं सारे, एक साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा जूम आउट करूं। तीसरे पैर की ओर ले चलते हैं। हाँ तो भाई, ये जो कबूतर है इनकी गारंटी है 7 घंटे मेरे घर पे उड़े हुए हैं ये उड़ानों में। ये कबूतर व्हाइट जोड़ के मेरे बच्चे हैं, ये इनके भाई अभी भी मेरे पास उड़े हुए हैं, ये पैर बन गया है अभी 10 कली साफ करके। एक बार के अंडे दौड़ा दिए इनके, तो दूसरे बार के अंडे भी हो जाएंगे, क्योंकि सारे व्हाइट मकोए एक साथ न करके कुछ अलग कॉम्बिनेशन में कबूतर अलग कलर में करने वाला हूँ। हरे कबूतरों पे शौक आया है अभी, हरे कबूतरों का शौक करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हरों की पेयर्स लगाई हुई है अभी, तो उन्हीं से हरों से कलपरे लगा के कुछ अलग चीज़ बनाने की कोशिश चल रही है, तो देखते हैं अभी उसमें कितना सक्सेस होते हैं। ये एक पेयर, सारों के पलके वाइट ही हैं बिल्कुल ज़बरदस्त जैसी होनी चाहिए। मारा मारी नहीं, ये ब्रीडिंग पेयर है, मैच्योर पेयर है, 1.5 साल हो गए इसको अभी। फर्स्ट टाइम इन्होंने एक दिए थे वो फेंक दिए मैंने, और सेकंड टाइम के अभी जो इनके एग है वो मैंने दूसरे कबूतर के नीचे घुमा दिया। बड़ा ही तेज जोड़ा है, तो हाथ में लेना मतलब ये पूंछ हाथ के पंख बिल्कुल हाथ में दे देते हैं। ये मादिन की आँख बहुत ही शानदार है, नीली आँखों वाली मादिन है कि आँख में। हर एक कबूतर मकोई कबूतर में बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज आपको देखने को मिल सकती है अगर आप आंखों के अंदर देखेंगे। इसके नाखून देख लीजिए, पंख क्योंकि टूट गए इनके, इनको पकड़ने जाओ पंख हाथ में दे देते हैं। ये देखिए, फिर आपको छोड़ के दिखाते हैं अभी ऊपर। ओ भाई, आजा। ये ऑरेंज कलर की इनकी दुम है, उससे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए इनको। ये देखिए माशा गुटरने लग रही है, ये एक थोड़ा पैर अलग है, इसका मादी मद्रासी है, नर प्योर पंजाबी है, बहुत ही शानदार कबूतर है ये भी। उड़े हुए कबूतर हैं वही रखे हुए हैं, तो नर की आंख दिखाता हूँ आपको, ये पंजाबी है सिंगल। इसकी पलके बड़ी शानदार है, देखने लायक कबूतर है। इसके खड़े होने के अंदाज को देखिएगा आप, बहुत शानदार है। ये नाखून देख लीजिए आप, पंखों की इनकी बात ही अलग है कुछ यार, बहुत शानदार। मादिन जो लगी हुई है वो मद्रासी मादिन है।
लीजिए आप, नर की स्टाइल देख लीजिए आप खड़े की, ये देखिए किस तरह से खड़ा होता है, तो प्योर पंजाबी कबूतर है। ठीक है भाई, तो अभी कुछ सिंगल ये आंध्रा वाला कल पोटिए बोलते हैं इनको, ये कल चीने बोलते हैं। इसकी आंख देख लीजिए आप, ये आंध्रा वाला चीना कबूतर है, बहुत शानदार है। ये आंख कितनी बारीक कर रहा है, और जूमिंग देख लीजिए, देने की इच्छा नहीं हो रही अब इसको, क्योंकि मैं पहली बार खुद इसकी आंख धूप में देख रहा हूँ। खूबसूरती भी बहुत अच्छी है, कबूतर की पूंछ भी बहुत अच्छी है। यहाँ छोड़ देते हैं आप, खड़े होने का अंदाज देख लीजिए आप किस तरह से कबूतर चलता है। ये एक और चीज़ देख लीजिए भाई, ये भी बहुत शानदार चीज़ है। इसकी आँख देख लीजिए, गोल्डन आइस के बच्चे बनाएंगे, और पुतली देख लीजिए, हरा दुबाज है ये। ये बना हुआ कबूतर है, इसके पंजे इसके ऐसी है, खड़े होने का अंदाज देखो। और मैं ये कबूतर देखिए साहब आप, इसको छोड़ने के बाद, ये आंध्रा वाला है, इसको छोड़ने के बाद तो और भी खतरनाक चीज़ दिखेगी आपको। यहाँ देख लीजिए आप, और कुछ मत देखिए इसके, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में है कबूतर आंध्रा वाला, कहीं कोई मिक्सिंग नहीं है। नाखून पंजे देख लीजिए आप, और इसके खड़े होने का पोजिशन देखिए आप, ये देखिए। अभी तो ये थोड़ा डरा हुआ है, तीन ही सिर्फ नाखून है जो सामने को, उस पर चलता है, ये बहुत शानदार कबूतर है। तो प्राइसिंग वगैरह सारी आपको बता दी मैंने, आप बताइएगा मुझे आपको कबूतर कैसे लगे, आपके व्यूज और कमेंट्स के जरिए। जो भाई लेना चाहता है नीचे नंबर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और जो लेने वाले हैं जेन्युइन बायर वही कॉल कीजिए, बाकी के लोग कॉल मत कीजिए। डिलीवरी कहीं नहीं दूंगा, ओनली 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 महाराष्ट्र में, अगर कोई लेना चाहता है तो हो जाएगा, बाकी दिल्ली विल्ली कहीं भी नहीं दे पाऊंगा मैं। जो यहाँ पे लोकल रेजिडेंशियल वाले लोग हैं अगर वो लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन हमारे मुंबई में ज़्यादा शोक नहीं है मद्रासी लोगों का, तो यहाँ की महाराष्ट्र के आसपास जहाँ पे बसेस जाती है वहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने दोस्त जी ठाकुर को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते जो हरे कबूतर बना रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं, बाकी के भी इधर ही घूम रहे होंगे। तो ये देखिए हरा अनारा, ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं ताकि कल्परे बच्चे कुछ बने। कल्परों का शौक और हरों का शौक अभी थोड़ा चढ़ रहा है, तो ये इस तरह से पेयरिंग कर रहे हैं हम लोग। तो आप बताइएगा आपको कैसे लगे ये कबूतर। ठीक है, एक बार वापस से आपको शोक करा देते हैं, इस तरह से कुछ कुछ अभी ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ जाली को चिपक रहे हैं स्पाइडरमैन की तरह, और कुछ यहाँ पे हैं, तो कुछ एक दो पेयर्स हैं, जैसे कि ये पेयर है, ये 7-8 कली के बच्चे हैं, ये नहीं दिखाई मैंने आपको, ये आपको 1500 के आसपास लगभग ये पेयर आ सकती है। ठीक है, तो ये नए लॉफ्ट की अभी शुरुआत हो गई है, बनना चालू हुआ है, आधा बना है आधा नहीं बना है। और उसी के साथ आपको जो हमारे लॉफ्ट मेकर है उनसे भी मिला देते हैं हम लोग। ये रवि भाई है हमारे, ये लॉफ्ट बनाते हैं पिजन्स के। तो रवि भाई सिर्फ कबूतरों के ही पिंजरे बनाते हैं या और भी कुछ करते हैं? और भी करते हैं। और क्या क्या करते हैं आप? ये पतरे का शेड हो गया। पतरे का शेड, अच्छा। एक मेरे दोस्त है सईद भाई, उनका मुझे कल फोन आया था, मैं आपको नंबर देता हूँ उनका। तो रवि भाई का नंबर ले लीजिए आप, अगर आपके पास किसी भी तरह का घर में रेलिंग या गेट हो गया, पतरा हो गया, ग्रिल लगाना हो, अगर मुंबई में आप कहीं पे भी है, अगर या मुंबई के बाहर भी आप जाते हो, मुंबई के बाहर भी चले जाएंगे, रवि भाई बड़े मेहनती हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और ये आपका हर काम इजीली कर देंगे। तो रवि भाई आपका नंबर बोल दो एक बार ताकि सब लोग लिख ले नंबर। 8696382717174। तो भाई ये है रवि भाई, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, और आपके कबूतरों की जाल और बाकी सारी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से अगर आपको देखभाल करना है तो ये रवि भाई है, सस्ते में अच्छा काम करके देते हैं, बड़े मेहनती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारे बब्बर शेर बालू सेठ बैठे हुए हैं आराम से यहाँ पे, और ये आज के वीडियो मेकर जिन्होंने आज की वीडियो बनाई, अक्षय कुमार जी हमारे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाज़त दीजिएगा। और ये अपने कुछ पंजाबी कबूतर में से कुछ उड़ रहे हैं अभी, एक दो ऊपर, और ये अपना पुराना लग गए की हालत ख़राब है अभी फिलहाल। ठीक है, तो अभी ये सब तोड़ के यहाँ पे एक 16x16 में अच्छा सा लॉफ्ट बनेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।